Assalamualaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे. सुबह सुबह उठ के नाश्ता कर लिया है और अभी इन मग्स में हम चाय पियेंगे. आज पहली बार छोटे सा मग, क्यूट सा मग है तो थोड़ी सी चाय मिलेगी. तो चलो देखते हैं कितनी चाय मिलती है. और ऊपर से पड़ोसी वाले घर में ना जनरेटर चल रहा है, पता नहीं क्यों. अभी तो लाइट भी नहीं, शायद चेक कर रहे होंगे. बहुत बड़ा खतरनाक नॉइज आ रहा है घर में. हेलो इमान. हेलो. क्या नॉइज, क्या बोल रहे थे? अरे अभी इलेक्ट्रिसिटी भी फिर भी जनरेटर चल रहा है. वही तो बोला मैंने, चेक कर रहे होंगे. हाय मैगी. इसको माँ ने सुबह खिलाई ब्रेड, मुझे छोड़ के आज नीचे आ गई थी ब्रेड खा के. फिर वेट कर रही है उसका खाना मिले. उसको अंडा और आलू देंगे बाद में, ठीक है? एक तो कप छोटा, ऊपर से ना डाल भी रहे हो थोड़ा थोड़ा. कप के साथ दोस्ती कर, ओवरफ्लो हो जाए तो. ओवरफ्लो ना हो जाए. चलो गाइस, मैगी को भी बंद कर दिया. ग्लास वाला भी अभी आ गया है इसलिए. और आज की चाय इधर से चीयर्स करते हैं. तो गाइस मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा स्माइली दिखेगा, लेकिन इमोन ने उसका राइट हैंड है तो पीछे से ये वाला टेक्स्ट दिख रहा है. गुड चाय, गुड मैगी. हमें छोड़ के कैसे नीचे ऊपर भाग रही है. कम मैगी, कम कम. वो क्या गलती से भाग गए ऊपर? अभी चले जाएंगे. ऐसे कैसे अकेले अकेले जा रहे हो? चाय तो पीने दो. घर में ना काम शुरू हो गया है रेलिंग का. उस दिन ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट लेके आए थे ना, उसको फिर घसीट घसीट के ब्लर कर दिया है. और आज शायद पूरा काम हो जाएगा. तो इमोन बाहर है, मैं इधर अपना काम कर रही हूँ, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स कर रही हूँ कुछ. ये उस दिन हमने सीसीटीवी कैमरा ली थी ना, तो वो कैमरा इतनी काम की है कि आप अपने रूम में बैठ जाओ और जो मजदूर है वो काम कर रहे होंगे तो आप लोग उनको आराम से देख सकते हो. तो ऐसे फ़िलहाल तो इमोन उधर है, हम इसे चेक करने के लिए फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं. और ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है, मतलब फेस डिटेक्ट कर देता है. कोई भी इंसान इधर उधर होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना उधर हम लोग भी बैठे रहे, इससे अच्छा है हम लोग अपना कुछ काम कर रहे हैं और साइड में कैमरा रख दिया. तो ऐसा है, वो इमोन चल रहा है, दिख रहा होगा आपको ये वाला कैमरा खुद ही मूव हो रही है. मेरी ग्लास का काम दिखने में मतलब लग रहा है ना इजी है क्या, लेकिन बहुत ही मुश्किल सा काम है. ऐसे ग्लास को नीचे से पूरे इतने सारे फ्लोर्स ऊपर लेके आना, फिर सेंसिटिव काम है, गिर जाए तो टूट टूट जाएगा. क्योंकि प्लास्टिक होता तो इजी था, ग्लास का काम जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक है. तो इसलिए आसपास ना अच्छा ये कोई नहीं है, क्योंकि अगर गिरे भी तो नीचे सीढ़ी है, किसी को लगेगा नहीं. बस अल्लाह करे अच्छे अच्छे से हो जाए, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी. अभी टाइम देखो कितना हो गया, 10:30 हो गए. हमने डिनर भी कर लिया और आज पूरा दिन बिजी गया इतना, क्योंकि ये ग्लास लग रहा था सीढ़ी में, फिर इधर उधर का काम, ये वो पूरा दिन चला गया. तो अभी मैं सोच रही हूँ बाकी की व्लॉग में हम कल करते हैं, लेकिन आज मैगी को नहलाना भी है तो देखते हैं आज उसको इमोन नहलाएगा कि नहीं नहलाएगा. और मैंने सोचा आज वैक्स भी करूँगी, तो वो भी पता नहीं आज कर पाऊँगी नहीं तो कल व्लॉग कंटिन्यू कर लेंगे. तो आज बस इतना ही मैं बना पाई. बिजी डे गया, बहुत ही टफ डे गया. तो यार अभी बज रहे हैं रात के 1 और मैं छत पे आ गई हूँ. मैंने वैक्स कर ली, मतलब करवा ली, डेफिनेटली इमोन ने वैक्स की है सारी. और फाइनली मतलब जब से ये मेरी प्रेगनेंसी चल रही है तब से मैंने वैक्स बिल्कुल नहीं की. इसको भी का आवाज़ है ये. तो अभी ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, लेकिन बहुत दर्द हुआ था तो करवा ली है. मैं अपनी ना एलोवेरा जेल लेके आई हूँ, ये बैठ के लगाऊँगी अपने हाथों में. और मैं आपको दिखाती हूँ इमोन और मैगी क्या कर रहे हैं. इमोन मैगी को ना शावर करवा रहा है रात के टाइम, क्योंकि हम लोग ना दिन के टाइम गर्मी होती है और शाम के टाइम हम लोग कोई बिजी होते हैं, इधर उधर काम हो जाता है. तो अभी जाके टाइम मिला है, हम सोच रहे हैं मैगी को शावर करा के, ड्राई करके, कॉम करके, रिलैक्स करके सुलाएं आज. मैगी आर यू इंजॉइंग? ठंडे ठंडे पानी से नहाओगी, मज़ा आएगा ना. मैं कुछ क्लिप्स ना यहाँ से ले रही हूँ क्योंकि उस साइड बहुत अंधेरा दिख रहा था. और इमोन मैगी तंग तो नहीं कर रही है नहाने के टाइम? मजा आ रहा है उसे, चुप सी हो गई. वो भी तड़प रही है नहाने के लिए ना. चलो अच्छा है, रिलैक्स होके नहाए. इस टाइम ना हवा भी बहुत अच्छी चल रही है. कुछ दिन से जब बारिश होती है ना जहाँ पे, उधर थोड़ी घुटन घुटन हो जाती है, तो ऐसा वेदर चल रहा था. लेकिन अभी ना बहुत अच्छी हवा चल रही है तो मज़ा ही आ रहा है. बस नींद आ रही है बहुत अच्छी सी. जल्दी से इमोन को मतलब शाबाश हो, मेरी वैक्स की, फिर मैगी को नहलाया, फिर उसको वो ड्राई व्राई करेगा. तो बहुत काम किया इमोन ने.
इमोन हम तुम्हें क्या इनाम में दे बोलो। बोल रहा है कि स्कूबीडू को नहला दो, मेरी हिम्मत नहीं है स्कूबीडू को भी नहलाऊं। चमक गए हमारे हाथ। जब तक इमोन है तब तक मैंने रूम भी पूरा सेट कर दिया है। चलो अभी देख के आए उनका हाल अहवाल क्या है। आवाज़ें तो आ रही है। हो गया मैगी रेडी। टिश्यू लेके आ गया, मोटा टिश्यू। हाँ। खुशी में क्या कर रहा है मैगी? अरे जो बच्चा है मैगी, कम मैगी कम, कहाँ गई मैगी, कहाँ गई? ओ ऑक्टोपस लेके आई है खेलने के लिए। इतनी खुशी खुशी हो रही है इसको। तुमने भी अपने कपड़े कपड़े चेंज कर दिए पूरे। नाइट ड्रेस में आ गया इमोन भी, क्योंकि मेरा पहला पैंट जिसमें कलर नहीं लगा। इमोन के हर कपड़ों में, घर के जो भी कपड़े, सारे कलर लगे हुए हैं क्योंकि कलर करता रहता है हर जगह। मैगी गुड नाइट, बाय गाइस, सी यू टुमारो। हालत खराब हो गई। चलो रेस्ट करते हैं, कल फिर एनर्जेटिक व्लॉग के साथ मिलते हैं। सी यू टुमारो। Good morning friends and assalamu alaikum. Today is second day and I am gonna start my vlog. अभी breakfast हो गया है और अभी मैं नहा के सेट हो गई हूँ क्योंकि आज कुछ काम वगैरह करने थे, और मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा पार्सल आया है तो मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। Let's see क्या पार्सल आया है। हेलो मैगी, गुड मॉर्निंग। मैगी की ड्रेस ये लूज थी ना तो मैंने कुछ टाइट करके इसको फिट किया है। हाय मैगी, हाय फाय हाय फाय हाय फाय हाय फाय हाय फाय। ओ गुड मैगी। बाहर का मौसम चलो चेक करें क्या है, इधर से चेक करते हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खूबसूरत कॉटन वाले बादल हैं। लंबे बाल कुछ इस तरीके से हो गए। मेरा पार्सल है वो माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या है ये देखें, आप देख के समझ जाएंगे क्या है। ये मरियम फूल है, मरियम फ्लावर, और ये ना नॉर्मली लोग जो अब सऊदी अरब जाते हैं ना तो वहाँ से ख़रीद के आते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। कैसे सऊदी अरब से मंगाऊं, तो इसलिए मैंने यहाँ बांग्लादेश में ऑनलाइन ऑर्डर ढूंढा, फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। और मुझे पता नहीं था कि रियल आएगा कि पता नहीं क्या आ जाएगा, इधर कैसे मिल सकता है। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं जो ऐसे बिज़नेस बहुत चलते हैं ना, दूसरे कंट्री से फिर इस कंट्री में सामान आता है, फिर हम ख़रीद सकते हैं, ये एक फैसिलिटी होती है। तो मैं बहुत ही खुश थी कि बांग्लादेश में भी ये मिल रहा है। और ये दो हैं ऐसे दो छोटे छोटे से, इनका यूज़ जो है ना जब डिलीवरी होती है और लेबर पेन होता है, जब लेबर पेन होता है तब इसको पानी में रख देते हैं, फिर ये खुद ही अभी ड्राई है ना तो ये खुद ही पानी में पूरा खुल जाके फ्रेश हो जाता है। और अल्लाह मदद करता है हमारी तकलीफ़ कम करने में, मतलब कुदरती एक ये एक निज़ाम है कि ये फूल जो है ना इसमें बहुत ताकत है, ये बहुत यूज़ करते हैं इस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम, तो इसलिए मैंने ख़रीदा। और कल मेरी अम्मी भी बता रही थी कि मेरे अब्बू सऊदी अरब से लेके आए थे जब पहला बच्चा पैदा हुआ था अम्मी का, और फिर ये बाद में फिर रीयूज़ भी कर सकते हैं, मतलब कि बाद में हम क्या करेंगे इसको निकाल के रख देंगे तो ये शायद ड्राई हो जाएगा। तो ये कुदरती एक चीज़ है जो कि मैं बहुत, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, फिर रिसेंटली मुझे पता चला इसलिए मैंने ऑर्डर किया। तो आप लोगों को भी अगर पता नहीं हो तो आप लोग भी मेरे वीडियो से देखो और पता कर लो, अम्मियों से पूछो। ये फूल ना दो किस्म के साइज़ से आता है, मेरे पास तो छोटे साइज़ आए, साइज़ शायद मैटर नहीं करता, लेकिन एक ना बड़ी साइज़ का भी होता है, एक ये साइज़ का भी होता है। तो ये मुझे बांग्लादेशी अराउंड 250 तक का शायद मिला होगा, पाकिस्तानी 500 हो जाएंगे, तो इतना महंगा भी नहीं था और घर बैठे बैठे मिल गया। आई एम सुपर सुपर हैप्पी, और अम्मी को भी दिखाया, अम्मी ने बोला हाँ यही है मरियम फूल। तो आप लोग भी देख लो और कमेंट से बताओ कि क्या यही है मरियम फूल। देखो ऐसे है, जूम कर देते हैं, ठीक है अभी मैं इसको रख देती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हेल्थ कैसा था, और जो भी मतलब बहुत प्रेगनेंसी में चीज़ें होती हैं तो उन चीज़ों के बारे में भी मैं डिस्कस करूँ। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था मैं डिस्कस करूँगी, फिर मैंने सोचा आप लोग बोर ना हो जाए इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कमिंग वीडियोज़ में ये चीज़ भी डिस्कस कर लूँ, ताकि ऐसे कई लोग हैं जो कि मेरी तरह है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट हो रहे हैं, तो उन लोगों को हेल्प मिलेगी कि मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है। मेरी सिचुएशन सुन के आपको लगे तसल्ली मिलेगी और ऐसा लगेगा कि ना चलो कोई तो है, हर किसी के साथ ऐसा होता है ऐसा। मेरे यहाँ पे दो और पार्सल आए हैं जो कि मैंने इंटरनेशनली मंगवाए हैं। पार्सल कहाँ से आए बताएगा, इस चाइना से आए हैं। एंड इसमें क्या है, दिखने में तो पता ही चल रहा है, जूते हैं,
सैंडल्स हैं और ऐसे सैंडल्स हैं जिसका मुझे कई दिनों से इंतज़ार था। और मैं कोरिया में ऐसे स्टाइल के सैंडल बहुत पहनती थी, ऐसे स्टाइल के सैंडल बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बांग्लादेश में मुझे मिल ही नहीं रहे थे। फाइनली मैंने मंगवाया और एक महीना पहले ऑर्डर किया था, अभी आया है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहला जो सैंडल है वो है ये। Isn't it cool? इतना हल्का है, लाइट सा, और ये जीन्स और शर्ट के साथ ज़्यादा सूट करेगा, शलवार कमीज़ के साथ इतना सूट नहीं करेगा। तो ये वाला देखो, एक ये है, पहन के देखते हैं साइज़ कैसी है, साइज़ पूरी है कि नहीं है। और दूसरा जो है तेंटरें, दोनों देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। तो मुझे कमेंट से बताना आपको ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगा या ब्राउन वाला। तो ऐसे है, इतना हल्का है ना, किसी को मारो फेंक के बहुत दूर तक जाएगा, दूर से मार सकते हो किसी को भी। गाइस एक ये है सैंडल, और साइज़ जो है ना वो मुझे अच्छी खासी पूरी है और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। मुझे वेट नहीं हो रहा मैं इसको कब पहनूंगी कहाँ पहनूंगी, लेकिन दिखने में भी अच्छा है और पूरा भी है, मतलब मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा पता नहीं, लेकिन आई लाइक इट। इमोन तुम्हें अच्छा लगा? ये अच्छा है, मिलता नहीं है नॉर्मली, वही तो यहाँ मिलता नहीं है। अभी दूसरा पहन के आते हैं। मैं ना जूता पहन नहीं पाती हूँ सैंडल नीचे होके, और क्योंकि पहन लेती हूँ लेकिन बांधने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ना इमोन मेरी हेल्प कर रहा है सैंडल पहनने में। अभी तो कोई और पहना कि सा लगता है गुदगुदी हो रही है पैर में। ये थोड़ा सा लूज हो गया, इसको थोड़ा लूज करो इधर से, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। और अभी ये वाला इमोन, तुम्हें ये वाला अच्छा लगा कि ये वाला? ये वाला ज्यादा अच्छा है। इसका हील बड़ा है ना, पता नहीं आप देखने में अच्छा कहाँ से खींच रहे हो। अभी ना ब्लैक एंड वाइट भी अच्छा ही लगता है। और ये रहा हमारा सेकंड सैंडल गाइस, ये भी दिखने में अच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट है चीज़ कम्फर्टेबल होना, तो वो मुझे कम्फर्टेबल लगता है। रिसेंटली एसी लगवाई थी ना एमापू के रूम में, वो एसी में प्रॉब्लम आ गया, कुछ दिन ही चली और उसमें ख़राबी आ गई है कुछ। तो अभी फिर से आए हैं देखने एसी वॉल्टन वाले, वॉल्टन ब्रांड की। पुराना एसी का स्टोरी बोलो। पुरानी एसी की स्टोरी क्या है, चलो पुरानी एसी की एक मज़ेदार स्टोरी सुनो। हम दोनों बैठे, हमारे साथ मैगी को भी आ रहा है, चलो आ जाए। तो गाइज ऐसा कुछ हुआ कि एमापू के रूम की एसी ख़राब हो गई थी, अभी एक क्या 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 बोलते हैं डील चल रही थी, एक एक्सचेंज होती है एसी, तो पुरानी एसी दो और नई एसी खरीदो और कुछ परसेंटेज का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे करने में क्या है कि वो एसी वाले आएंगे तो, लेकिन वो पुरानी एसी खोलने का चार्ज लेंगे आपसे और आपकी पुरानी एसी ले भी जाएंगे फ्री में, मतलब उसमें हमारा एक किस्म का नुकसान ही है। तो ये आपको एक आज नई एक तरीका बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। वो ये कि इमोन ने क्या किया कि बहुत सारी जगहों में कॉल कर करके, जो सेकंड हैंड एसी सेल करते हैं ना, ऐसे कुछ लोग ढूंढे, फिर उनके साथ डील कर दी कि हमारे घर में एक एसी है, हम सेल करना चाहते हैं, और मतलब ये प्रॉब्लम है वो बताया जो भी था। तो वो ऐसे ऐसे करके एसी बांग्लादेशी कितने में सेल हुई, 5-6 हज़ार में सेल हो गई। तो वो लोग आए एसी खोल के लेके भी चले गए और साथ में पैसे भी दे के गए, और वो लोग उल्टा पैसे एक्सचेंज वाले उल्टा पैसा मांग रहे थे। तो एक्सचेंज वाले बोले थे 2,000। हाँ खोलने का मतलब वो लोग आएंगे जो कंपनी वाले खोलेंगे करेंगे, तो हमें अपने पॉकेट से उनको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो इमोन ने चला कि सेकंड हैंड वाले से कांटेक्ट करके, तो वो लोग हमें पैसे भी देके गए और फ्री में खोल के गए। और वो माँ ने बोला जिसने ये मेहनत की उसके सारे पैसे हो गए। तो इमोन ने सारे पैसे अपने पास रख लिए। तो इमोन ने बोला सबसे शेयर कर, हम प्लान कर रहे हैं क्या क्या इतने पैसे का। अभी 5,500 जो है वो पाकिस्तानी कितने होते हैं, 10-11 हज़ार होंगे। 8 PR मिलता रहता है इसको, बिल्लो रानी को हमारी। कैसे बैठी है इंसानों की तरह, पैर देखो। ये अभी कुत्ता है ही नहीं, इंसान बन गए। ये हमारी मैगी है, मैगी सब कुछ समझते है। तो यार आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी एडिट करूँगी, फिर इंशाल्लाह आपको आज ही मिल जाएगा ये व्लॉग। और कमिंग वीडियोस बहुत मज़े के आने वाले हैं। बाय द वे मैगी की बर्थडे आने वाली है, मैगी 1 साल की होने वाली है माशाल्लाह से। क्या छोटा बच्चा लेके आए थे और क्या बड़ी हो गई। तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैगी की बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, मुझे पता नहीं अभी जानवर की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें, क्या करें उसके लिए। देखते हैं कुछ बलून वलून खुलाएंगे, मैगी को कुछ गिफ्ट देंगे। हाँ मुझे कुछ कमेंट से आइडियाज़ दो, फिर हम मैगी की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसकी भी बर्थडे बस आने वाली है जल्दी। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। चल रहा है, खुदा हाफिज़, बाय बाय।